जी ताऊ जी क्या करें आप, मोदी मोदी सरकार तक हमारी ये बात पहुंचाओ कि हम कोई अतिवादी नहीं है, कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई माओवादी नहीं है, कोई और देश विरोधी ताकत नहीं है जी। हम देश के किसान हैं, जो एक मिनट जो देश के लोगों का ढिड भरते हैं, अंधाधुंध लोग हैं जी, जी। और हमारे लड़के कोई मिलिट्री में है, कोई मतलब किसी नौकरी में इस तरह भी है, और हम खेती करते हैं पंजाब में, तो आप और लोग देशभक्त हैं, न कि विरोधी। हाँ हाँ, हम अतिवाद के खिलाफ, हमारे पास सरकारी का असला था, हमने अतिवादियों की पैर भी नहीं हमारे गांव में होने दी। देखिए भाई, इनको हैं जो पंजाब के किसान हैं, इनके द्वारा बोला जा रहा है कि भाई हम कोई आतंकवादी नहीं है, कोई खालिस्तानी नहीं है, हम सिंपल किसान हैं इस देश के, और मोदी सरकार को हमारी बात माननी चाहिए। इसी तरह की जानकारी के लिए आप बने रहिए डीएन हरियाणा के साथ। और कुछ और किसान आ गए हैं भाई हमारे पास, ये आगे भाई वीर जी नमस्कार। नमस्कार जी, केड़ा पिंड टवदा? साडा पिंड हमचड़ी है जी, पंजाब तो, पंजाब से पटियाले तो। कितने दिन से चला हो आपका ये काफिला? 26 तारीख से पहले दिन से जी इधर ही। हाँ जी, तो मतलब मोदी को मना के जाओगे? बिल्कुल जी, मोदी को मना के जाएंगे, जो काले कानून है इनको वापस रिपील करा के ही यहाँ से जाएंगे। 26 जनवरी का तिरंगा यहीं फहराया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, जो हमारे जथेबंदी के आगू हैं उनकी जो दिशा निर्देश होंगे उनके हिसाब से ये 26 जनवरी का जो भी रोष मार्च है वैसे निकाला जाएगा। वैसे मार्च निकाला जाएगा, किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं किया जाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल, शांतिपूर्वक चालू रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे जथेबंदी का आगू साहबान है जिस जैसे भी उनके दिशा निर्देश होंगे वैसे ही। ये देखिए भाई, पूरी कमेटी के दिशा निर्देशों के साथ ये धरना चला हुआ है, ये नहीं है भाई खाली वैसे ही चला हुआ है। और यहाँ पर किसानों के काफिले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कुछ और गाड़ियाँ यहाँ पर रुक रही हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप बने रहिए डीएन हरियाणा के साथ, कैमरामैन से को एक बार इन सभी को दिखाए भाई। ये देखिए भाई, जो किसान हैं अच्छी खासी संख्या में यहाँ पहुँचे। ये देखिए भाई किसानों का काफिला, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ये देखिए भाई किसानों के अंदर उत्साह है, जोश है, ये मोदी सरकार को सचेत कर रहे हैं कि ये देखिए भाई कानूनों को लेकर बात की जा रही है। बढ़िया हाल है, कैसे आने हो इधर? असी मोदी हो, मोदी ने काले कानून रद्द करवाना है। तो क्या है इन कानूनों के अंदर, क्यों डर लगता है आपको इन कानून से? संतन डाला था ऐसा, साडी तो जमीन खोई है, ऐसा हक ले भी ना मुड़ते नहीं है। जब तक वो मोदी काले कानून रद्द नहीं करता उद तक असी रहना है, इतना ही रहना है। ये देखिए भाई कितना जबरदस्त उत्साह इस युवा किसान ने किसान के पास के अंदर भाई कह रहा है कि भाई हमने तो भाई इतना अड़े रहना है, इतने कानून वापस नहीं होते। आप बने रहिए डीएन हरियाणा के साथ। डीएन हरियाणा के लिए मैं दिनेश दुलानिया, नेशनल हाईवे बहादुरगढ़ से। देखिए भाई फ्री में दूध वितरित किया जा रहा है यहाँ पर, देखिए फ्री में दूध डाला जा रहा है। हमें देखो भाई दूध लेने के लिए यहाँ किसानों के काफिले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए भाई दूध नुका देना, दूध के अंदर आप आ जाएंगे, वो एक काम हो रहा है भाई, दूध लगातार दूध बांटा जा रहा है यहाँ पर, दूध लेने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए। और यहाँ मौजूद हैं जो, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, कौन से गाँव से आए आप? गाँव बगला से, जिला हिसार है जी, तहसील आदमपुर। आदमपुर कितने दिन का लगा रखा है आपने? ये हमने यहाँ से जब से शुरू है उस टाइम से यहाँ आए हुए हैं जी, यही मौजूद है, यही मौजूद है जी। मुकाबला कर रहे डट के सरकार का? बिल्कुल जी, सरकार का जम के और डट के दोनों तरफ से हमारा मुकाबला सिरा सीधा नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र मोदी से। एक और भाई साहब नौजवान है, नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब अपना गांव कौन सा है? मेरा गांव भाई श्री सरखास मैमदुर है। अच्छा। और जिला रोहतक भाई। अच्छा, फिर मतलब जो कृषि कानून नहीं है। हाँ भाई, इन पे क्या कहना अपना भाई? ये तो माननी पड़ेगी भाई, मोदी ने नहीं माना तो क्या करेगा? माम तो भाई यार तो उठा को नहीं, चाहे कि में हो जियो, चाहे 4 साल के चाहे 6 साल हो जियो भाई, यो हाँ ये रद्द करो करके ना जब उठाए भाई। हाँ भाई, बसा दिया पंजाब है, हरियाणा ने मिलकर पंजाब वाले। हाँ भाई, भाईचारा है हरियाणा पंजाब का तो भाई, भाईचारा ठीक है। हाँ कति भाई, देखिए भाई युवा किसान है, जोश है, कह रहे कि भाई भाईचारा हमारा। और यहाँ पर लगातार गाड़ियों के काफिले आ रहे हैं भाई, हरियाणा से किसान हैं ये जो इस समय मौजूद हैं। ना से भी आ जाओ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब। भाई साहब कौन से गांव से हैं आप? गांव कमासखेड़ा जी,
जला जींदा है तहसील दुलाना है। तो मतलब आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हो? हाँ, पूरा ले रहे हैं जी, जना तो एक कर अच्छा, मतलब यही है, इतना मतलब वापस नहीं होता, यही है, इतना पूरा समझौता नहीं होगा। हम यहाँ दो साल आगे जाओगे, जहाँ कोई नहीं कौन सा मुड़ जाओगे, उल्टे हटाएंगे। कितना उत्साह इनके अंदर।